अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम ऑटो कैड का एनवायरनमेंट इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है। इसका लेसन है लेसन नंबर 4 और आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनवायरनमेंट ऑफ ऑटो कैड, इंट्रोडक्शन टू रिबन, पर्पज ऑफ कमांड एंड कमांड एरिया और क्रॉस बार हेयर क्या होता है। इसके लिए मैं ऑटो कैड को फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा, ऑटो कैड 2015 को। ओपन किया, ऑटो कैड लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसके एनवायरनमेंट या रिबन्स वगैरह को प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी प्लगइन्स इसके प्रिपेयर हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं और ये एलएनजी ऑटोकैड ओपन हो गया। अब देख सकते हैं आपका ऑटोकैड ओपन हो गया है, ऑटोकैड का एक नया इंटरफेस हमारे पास सामने आया है। तो ऑटोकैड में सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो, आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा रिसेंट अभी तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। उसके लिए जब मैं यहाँ पे कोई भी सॉरी डॉक्यूमेंट्स का नाम ले रहा हूँ, कोई भी ड्राइंग जब मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में नीचे आ जाएंगे मेरे पास ड्राइंग। ओपन करूँगा तो ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो अब देखें ओपन भी आपके पास आ गया। ओपन शीट्स सेट पे क्लिक करें तो आपका आपने अगर कोई शीट सेट्स बनाए हुए तो वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन हम न्यू यूज़र हैं, आज हम फर्स्ट टाइम ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं स्टार्ट ड्राइंग्स पे क्लिक करूंगा। जो ही मैंने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया तो आपके पास देखें एक आपके पास एनवायरनमेंट सामने आ गया ऑटोकैड का, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है और बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपके पास देखें क्या क्या चीज़ें, अभी जो ऑटोकैड आपके पास 2015 है, इसमें ये होम सबसे ऊपर ये जो बार है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो बार है इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इसको ऑटोकैड बटन कहते हैं। इसमें देखें आप तो आपके पास न्यू, ओपन, सेव, सेव एस के डायलॉग्स बने हुए होंगे, बटन्स बने हुए होंगे। नेक्स्ट ये जो बार है इसको बार कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद आपके पास देखें ड्राफ्टिंग एनिमेशंस, मीन आपके पास ऑटोकैड ने एक ऐसा तरीका या एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसपे आप मैकेनिकल, सिविल और सारे के सारे काम कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो इसमें देखें 3D बेसिक्स हैं, तो आप 3D बेसिक्स पे क्लिक करें तो आपके पास एनवायरनमेंट सारे का सारा रिबन चेंज हो जाएगा। देखें 3D बेसिक्स के हमारे पास देखें टोटली 3D में आप बस यहाँ पे रिबन आ गया। 3D मॉडलिंग पे क्लिक करें, मॉडलिंग में आ जाएगा। इसके अलावा आप खुद भी टेम्पलेट्स इसके बना सकते हैं, मीन आप यहाँ से रिबन इसके बना सकते हैं। तो बनाने के लिए आप बनाने के बाद सेव करंट एज करेंगे तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो हम करेंगे ड्राफ्टिंग, हम कर रहे हैं तो हम ड्राफ्टिंग वाला मैं इंटरफेस यूज़ करूँगा रिबन। अब इस रिबन में देखें हर एक के साथ होम है, होम में बस ड्रॉ के बटन है सारे के सारे, देख सकते हैं। मॉडिफाई भी है, इनोवेशंस भी हैं, लेयर्स भी हैं, लॉक्स हैं, प्रॉपर्टी है, ग्रुप यूटिलिटीज और काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट में भी आप देखें टूल्स हैं आपके पास, कंप्लीट टूल है। एनिमेट्स पे क्लिक करें, पैरामेट्रिक्स पे क्लिक करें, व्यू, अब व्यू में UCS आइकन को हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, आप वापस लाने वापस ला सकते हैं। व्यू क्यूब पे क्लिक करें, क्यूब आपका हाइड हो जाएगा यहाँ से। इस क्यूब का फंक्शन क्या है कि आप यहाँ से 3D में डायरेक्ट मूव कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, मूव करता हूँ इसको, अब देखें टॉप पे आ गए, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे टॉप पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से देखें इस कस्टम व्यू में क्लिक करें, यहाँ पे आप टॉप है, बॉटम है, देखें 2D वायर फ्रेम है, देख सकते हैं यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से टॉप बॉटम। नेक्स्ट यहाँ पे आप बस कुछ आइकन से बने हुए देखें, यहाँ पे तो ये कंप्लीट आप बस
गाइड्स दे रहे हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, लाइन विड्थ क्या होनी चाहिए, पूरी आपको गाइड दे रहे हैं। मॉडल्स हैं आपके पास, यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, ग्रिड्स भी हैं। इन ग्रिड्स को हाइड ख़त्म करना चाहो तो आप यहाँ पे देखें, डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स पे क्लिक करो, ग्रिड ख़त्म हो जाए, वापस लाना चाहते हो वापस ला सकते हैं। यहाँ पे वो बार बार न्यू फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक प्लस का बटन बना हुआ है, क्लिक करें, एक नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये टैब है आपके पास, आप इस टैब के थ्रू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग को क्लोज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें, आपको बाज़ क्योंकि हम जो हमने जो ऑटोकैड किया था वो ऑटोकैड 2007 किया था, तो 2007 का एनवायरनमेंट भी आप ला सकते हैं। आप मेन्यू बार लाना चाहते हैं तो मेन्यू बार ला सकते हैं। मेन्यू बार लाने के लिए आपने राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे शो टैब्स है, शो पैनल्स हैं, अनलॉक है, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें, इस बटन के ऊपर क्लिक करें, सेकेंड मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये भी बटन है, शो पैनल टैप, यहाँ पे आप देखें इस बटन में जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पे करना है जी शो मेन्यू बार पे क्लिक करें, तो आपके पास देखिए मेन्यू बार भी आ गई, फाइल की बार आ गई, एडिट की बार आ गई, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, आप देखें आप मेन्यू के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ऑटोकैड 2007 देख सकते हैं, एक्सप्रेस है, हेल्प है, विंडो है, पैरामेट्रिक्स हैं, डायमेंशन है, तो कंप्लीट यहाँ पे आपको गाइड्स और बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त इंटरफेस है जो कि आपको फ्रेंडली गाइड करता है कि आपने काम क्या करना है और इस पर किस तरह काम होगा। अब जैसे कि मैं होम टैब पे लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखिए लाइन का पूरा इंट्रोडक्शन इसने दिया हुआ है, लाइन को ड्रॉ किस तरह करना है, सिंपल स्केच भी बना के इसने दिया हुआ है, पॉली लाइन क्या है, पॉली लाइन किस लिए आप यूज़ कर रहे हो, पॉली लाइन का ही बता रहा है, सर्कल क्या होता है, सो किस तरह यूज़ करना है वो भी बता रहा है, क्लिक करें सर्कल के टैप्स भी बता रहा है, टू पॉइंट सर्कल क्या होता है, तो इसे पूरे के पूरे नोट्स यूँ समझें कि आपके पास नोट्स भी लिखे हुए हैं, उसने पूरा आपको गाइड भी किया हुआ है। तो ये इसके कुछ इंटरफेस हैं। इस इंटरफेस में सबसे बार ऊपर वाली जो बार है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ड्राइंग वन जहाँ पे लिखा हुआ है DWG, इसको टाइटल बार कहते हैं, इसमें टाइटल भी दिया हुआ है DWG, और जब आप सेव करते हो उस ड्राइंग को उसी नाम से सेव होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, मेन्यू बार है, हाइड करना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और मेन्यू बार पे क्लिक करें, हाइड मेन्यू बार पे क्लिक करें, हाइड हो जाएगी। उसके बाद ये भी आपके पास मेन्यू कुछ दिए हुए, इन मेन्यू के साथ जो प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है इन प्रॉपर्टीज को रिबन कहा जाता है। अभी जितनी भी ये जो प्रॉपर्टी है, होम पे क्लिक करें, होम की जो प्रॉपर्टी आ गई इनको रिबन कहा जाता है। अब रिबन में हर एक अलग अलग से आप देखें, यहाँ पे ड्रॉ का अलग गया, मॉडिफाई का अलग गया, एनिमेशन का अलग गया, तो इसको टैब कहा जाता है, सीरी को टैब कहा जाता है। ये आपके पास 3D टॉप बॉटम के लिए आपके पास यहाँ पे आप इससे अपनी ड्राइंग्स के मॉडल चेंज कर सकते हैं, इसको 3D करना है, 2D करना है, टॉप से देखना चाह रहे हैं, लेफ्ट से, राइट से, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जूमिंग टूल बार है, जूम करना है आपने, ऑर्बिट रोटेट करना है अपनी ड्राइंग को, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उससे नीचे आपके पास यहाँ पे कमांड एरिया है, यहाँ पास कमांड एरिया है, इसके लेआउट्स हैं, इसके मॉडल्स और टैग्स भी यहाँ पे कुछ सामने आपके पास नज़र आ रहे होंगे। तो ये कुछ इसके एनवायरनमेंट थे, इसका जो इंटरफेस थे आपके पास ऑटोकैड के। जिन लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है तो वो यहाँ से साइन इन पे क्लिक करके इसको साइन इन कर सकते हैं अपने ऑटोकैड को। साइन इन का फ़ायदा ही होगा कि आप इसमें टेम्पलेट्स, इसमें ऑनलाइन हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त आपके पास इंटरफेस, और न्यू 2015 में कितना ईजी आपको ऑटोकैड करके बता दिया गया, और आप इसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें कमांड सारी की सारी वही यूज़ होती हैं, लेकिन ये कुछ एडवांस कमांड भी इसमें आई हुई हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर आपको लगा होगा और इसके इंटरफेस भी आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें आपका इसका कलर स्टाइल थीम इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, इस पर कुछ काम करेंगे नेक्स्ट लेसन में, कुछ नई कमांड्स के साथ मैं आपके पास हाजिर होंगे और
इसमें कुछ हम स्केच वगैरह बनाना सीखेंगे, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऑटो कैड के इंटरफेस को समझें आप, इस पे देखें क्या क्या चीज़ किस तरह है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑटो कैड के जितने भी फंक्शन हैं, इनमें से किसी भी फंक्शन को आपने रिमूव नहीं करना। शो है, इसको रिमूव नहीं करना आपने। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बस रिबन्स आए हुए हैं, ये जो भी चीज़ आई, इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि रिमूव करने के बाद आप इसे ओपन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो भी एक कमांड या रन के थ्रू आप उसे सामने आप ला सकते हो। तो आप फंक्शन देखें, होम देखें, एनजेड देखें, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ऑटो कैड 2007 के ट्यूटोरियल देखे, वो इजीली इसको समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा बटन कहाँ पे और किस तरह काम करता है। स्टूडेंट्स, एक और बात आप याद रखिएगा कि ऑटो कैड 2007 में हर एक चीज़ रिबन्स पे मौजूद नहीं होती। जिस तरह आप देखें तो ड्रॉ बार में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन होते थे, काफ़ी सारे मेन्यू होते थे ड्रॉ में, तो वो मेन्यू यहाँ पे नहीं है। मॉडिफाई में काफ़ी सारे बटन्स होते थे, काफ़ी सारे मेन्यू थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो मतलब कुछ कुछ जो के ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें वो यहाँ पे इसने दी हुई हैं और उसने नहीं दी हुई, तो और जितने भी मेन्यूज़ हैं वो हाइड किए हुए हैं, तो उनको अनहाइड कैसे किया जाता है, उनको सामने कैसे लाया जाता है, वो भी मैं आपको मेथड बताऊँगा। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।